हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो एक न्यूज़ आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 से लेकर, और ये न्यूज़ हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए बहुत बुरी है, पर टी क्रिकेट के लिए भी बहुत बुरी न्यूज़ है। मैं सच बताऊँ, बहुत बुरी न्यूज़ है। मैं कहता हूँ कि ये क्रिकेट के लिए बहुत बुरी, जितने लोग सपोर्ट करते हैं हार्दिक पांड्या को या दुश्मनी कर रहे हैं, ठीक है, जेन्युइन है, करो दुश्मनी, बट मैं कुछ चीज़ें बात करना आप लोगों से चाहूँगा, ठीक है। अब देखो, आप वो अब जो न्यूज़ आ रही है कि हार्दिक पांड्या को से वाइस कैप्टन डिसाइड हुए थे T20 का, बट अब हटा के ऋषभ पंत को एज ए वाइस कैप्टन डिसाइड कर रहा हूँ। एक बात बताओ, ऋषभ पंत को एज ए IPL के बेसिस पे 1 साल 1.5 साल उन्होंने मैच नहीं खेला इंटरनेशनल। भाई देखो, इंटरनेशनल और IPL में बहुत डिफरेंस, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है भैया। और भाई IPL, जो IPL में अभी पिच बनाई गई है ना, मतलब रद्दी पिच है, मतलब इतना रन बन रहा है और क्या बताओ दोस्तों। और ऋषभ पंत को सिर्फ सिर्फ IPL के बेसिस पे जज करके तुम आप T20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एज ए वाइस कैप्टन बनाओगे, ये टोटली सरासर गलत है, इतनी गलत है ना कि सोच नहीं सकते। किस मुंह बेस इतना, 60 मैच ऋषभ पंत ने खेला है T20, कभी भी बंदे ने प्रदर्शन नहीं दिया है। 120 130 का एवरेज रहता है, स्ट्राइक रेट एवरेज तो 24 25 का है। क्या रन बनाया उसने, कुछ भी नहीं बनाया उसने। पांड्या का प्रदर्शन ऐसा नहीं T20 में खराब है, उन्हें उसने वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिया है। ऐसा नहीं, आप देखोगे T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ इन सेमीफाइनल, बहुत सारे अच्छे मैच T20 में प्रदर्शन दिया है। किस बेसिस पे हार्दिक पांड्या को बाहर कर रहे हो भाई? उसके ऊपर इतना प्रेशर है ना, अगर किसी बंदे के ऊपर इतना इंटरनेशनल प्रेशर हो, पूरी इंडिया कॉम उसे कहे तुम बेकार हो बेकार हो, कैसे प्रदर्शन करेगा? एज ए फिटनेस की बात एग्री करता हूँ, फिटनेस अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या के जगह वाइस कैप्टन जो फिट बैठते हैं वो ऋषभ पंत नहीं बैठते। अभी टीम में खुद जगह बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इतना आसान नहीं होने वाला है, आगे उनको देखो ना कैसा प्रदर्शन करते। डायरेक्टली एंट्री ले लो वर्ल्ड कप में भाई, T20 IPL में अच्छा खेला, ऐसे तो IPL में बहुत अच्छे प्लेयर खेलते हैं, कहाँ एंट्री नहीं होती है, गलत है भैया। और संजू सैमसन का चल, मुझे लगता है कि जो मुझे लगता है अगर तुम वाइस कैप्टन देख रहे हो तो संजू सैमसन को देख लो ना, संजू सैमसन तुम कैप्टन भी बन सकता है। और किस बेसिस पे आप रोहित शर्मा को ले ले, ना रोहित शर्मा का प्रदर्शन है, ना हार्दिक का प्रदर्शन, ना सूर्या का प्रदर्शन, किस बेसिस पे खिलाओगे इनको? मुझे लगता है कि ये हार्दिक पांड्या को भाई वर्ल्ड कप जाना चाहिए, वो बंदा करके देगा, बहुत प्रेशर है इंटरनेशनल में, करके बंदा देगा। ही इज़ वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर यार, नो डाउट, किसी ने वर्ल्ड कप में कुछ उखाड़ा नहीं है। चाहे रोहित शर्मा की बात कर लो, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात कर लो, विराट कोहली के अलावा सूर्या, विराट कोहली के अलावा कोई नहीं। सूर्या की देख लो, सूर्या भी कुछ नहीं किया है, KL राहुल कुछ नहीं किया है, ऋषभ पंत भी कुछ भी नहीं किए हैं भैया, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर ले जाना है तो पूरा यंग प्लेयर ले जाओ, अन्यथा ये मत कहो, ये वो मत कहो कि ये बेकार है वो बेकार है, कोई करके कोई कुछ दिया नहीं है, सेमीफाइनल फाइनल क्वार्टर फाइनल सबकी फटी पड़ी रहती है, सब आउट होके चले जाते हैं, ये सच्चाई है। तो हार्दिक पांड्या इज फार बेटर देन ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत के इस इनिंग IPL में देखा, अभी इंटरनेशनल 1 1.5 साल से खेला नहीं है बंदा। इंटरनेशनल और IPL में बहुत प्लेयरों को मैंने देखा कि IPL में बहुत मारते हैं, इंटरनेशनल में जाके ना फट फट के हाथ में आ जाती है सबकी, वहाँ अलग प्रेशर होता है, पूरे कॉम का प्रेशर होता है। यहाँ तो कुछ भी कर लो भाई, पिच इस बार जो रद्दी बनी IPL की पिच, हर मैच में 250 कोई भी बल्लेबाज मार दे रहा है यार, कोई भी बल्लेबाज, छोटा सा छोटा बल्लेबाज चौका छक्का मार रहा है। थू है ऐसे फैंस की, थू थू है जो हार्दिक पांड्या को इतना वो कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। ये माई पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे यार, प्लीज़ यार फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे भी करो, सब स्पोर्ट्स ज्ञानी के नाम से मिल जाएगा। थैंक यू।